लो में लगा हुआ है, लो 4x4 लगा हुआ है, और गाड़ी चढ़ रही है स्ट्रेचरस टेरेन पे। ये शिंकुला वापस चढ़ते हैं, उतना बड़ी प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे ही सारे टेम्पो और सारी गाड़ियाँ फंसती हैं। आपको मैंने कल की वीडियो दिखाई थी, उसमें टायर फट गया था, पूरा साइड वॉल फट गई थी, बहुत घटिया रोड है। ऑल टेरेन टायर को फाड़ सकती है, तो किसी भी टायर को फाड़ सकती है। अब लगाई हुई है स्टेपनी और आगे का प्रोग्राम कर दिया कैंसिल, बिकॉज यहाँ पे टायर वायर कहीं नहीं मिलेगा, और अगर जो एक और टायर डाउन हो गया तो आई विल बी स्ट्रैंडेड फॉर एवर, लिटरली फॉर एवर, एंड आई विल हैव टू पे थ्रू माई नोज टू गेट समवन टू ड्राइव और गेट समथिंग। बिकॉज जब आप यहाँ पे मजबूरी में होते हैं ना, तो आपका फ़ायदा बहुत उठाया जाता है, लोग बुरा माने अच्छा माने, बहुत तारीफ़ें होती हैं यहाँ की, बट आपको एक सच्चाई बताता हूँ, यहाँ पे जब आप फंस जाते हो ना, तो आपसे एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट मांगी जाती है हर चीज़ के लिए, फ़ायदा उठाया जाता है टूरिस्ट का। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, और अपने साथ सब कुछ लेके आए, मैं भी लेके आया हूँ, बट टायर फट गया तो क्या करें। देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो जी, अब हमने लगा दिया अपना ब्रिजस्टोन ड्यूलर जो स्टेपनी में था, और योकोहामा हटा दिया, जो कि साइड वॉल जिसकी फट गई थी, बहुत ही शार्प पत्थर थे। अगर जो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो लास्ट वीडियो देखो आप, उसमें आपको पता लगेगा क्या रोड थी वो। तो अब सुबह के बजे हैं, कितने बजे, 7 बज गए हैं सुबह के, और हम उठ गए थे, मैं तो 3:30 बजे उठ गया था, नींद ही नहीं आ रही थी, यहाँ पर सोना मुश्किल है, एक ऑरा होता है ना, एनर्जी होती है जगह में, तो यहाँ पर ऐसा लगेगा आपको नींद ही नहीं आएगी। चलो तो यहाँ से अब चलते हैं। इसकी ना शील्ड खुल गई थी रास्ते में, बिकॉज ये वर्कशॉप पे केयरलेसनेस कर दी किसी ने, और अपने को शील्ड बांधनी है, तो ये शील्ड बांधते हैं, पूरी लटकती हुई जा रही है, तो गाड़ी को किया हुआ है टेढ़ा, ऐसे चढ़ा के खड़ा हुआ है एक साइड, और अब शील्ड बांधेंगे इसके नीचे से, बिकॉज ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी, रगड़ती हुई जाएगी पूरे रास्ते, तो यहाँ चढ़ा के शील्ड बांधता हूँ, फिर चलते हैं आगे। ये आवाज़ सुन रहे हो घिसड़ने की, ये वापस शील्ड खुल गई है, और ये पूरे रास्ते ना प्रॉब्लम देने वाली है। क्या हुआ कि एक स्विच ख़राब हो गया था रिवर्स वाला, मतलब 5.5 साल बाद जब सर्विस करवाई गाड़ी की, तो एक रिवर्स वाला स्विच ख़राब हो गया था, और बड़ा चीप सा स्विच था, टाटा के पार्ट ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, तो बड़ा चीप था, आई थिंक 400-500 रुपये का एक स्विच था जो कि ख़राब हो गया था, और उसके लिए पूरा ट्रांसमिशन को भी जो सेक्शन होता है बीच वाला, उसको थोड़ा सा लो करना पड़ा था, उसके लिए नीचे वाली शील्ड खुली थी, तो वो शील्ड के जो नट थे ना, वो नट रस्ट होके थोड़ा सा उन्होंने छोड़ दिया था, डिस्पाइट एंटी रस्ट कोटिंग के, नीचे एंटी रस्ट कोटिंग है, लेकिन क्या हुआ को वो एक मिडल वाली शील्ड होती है, वो ऑप्शनल होती है, तो मैंने वो शील्ड बाद में लगवाई, और मैंने सोचा यार एक बीच में ऑप्शनल शील्ड है तो लगवा लेते हैं, 3-4 हज़ार की शील्ड थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी, तो वो लगवाई, और उसमें जो बोल्ट लगे उसके ऊपर एंटी रस्ट नहीं था, और वो बोल्ट बिना कोटिंग के या जो भी थे लगवाए, तो ऑथराइज टाटा से ही थे, बट बोल्ट वर प्रोन टू रस्ट, और वो बोल्ट्स रस्ट हो गए, और अब जब उन्होंने खोला होगा तो वो बोल्ट कटे हुए हैं, और वो शील्ड वापस प्रॉपरली वापस नहीं लगा पाए वो, तो मेरे पास बोल्ट एक्सट्रैक्टर है घर पे, बट वो घर पे है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अब बार बार ये लटक जाती है, तो इसका कोई इलाज करूँगा आगे कहीं जाके, हालाँकि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, पूरी डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी, तो आई डोंट केयर, लोहे की फैब्रिकेट करके लगा दूंगा, या फिर आई विल गेट अनदर शील्ड, नहीं भी होगी तो कोई बड़ी इशू नहीं है, वहाँ पे सेंट्रल डिफरेंशियल है, तो उसको कुछ ऐसा ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, बस थोड़े पानी के स्प्लैशेस की वजह से ऐसे ही लगा दी थी कि पानी के स्प्लैश ना लगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र केस है वो, बट उसमें जितने वायरिंग हैं मैंने देखा था, लिफ्टेड थी मेरी गाड़ी तब, तो उसके ऊपर प्रॉपरली टाटा ने प्लास्टिक कोटिंग वगैरह की हुई है, तो यहाँ रुके थे, और यहाँ हमने देखा कि व्यू बहुत अच्छा है, सन के शेड में एरिया है, तो एकदम चुभती हुई धूप भी नहीं है, हालांकि धूप मतलब ज़्यादा कोई गर्म नहीं कर रही अभी सुबह के समय, तो बहुत ही अच्छा व्यू। ये व्लॉग लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें मेरे को इतनी सुंदर व्यूज़ नहीं दिखी, जैसे देखो ये बर्फ़ की एक पूरी सिल्ली ऐसे खड़ी हुई है नेचुरली, मतलब ऐसी एंटीक्स देखने को मिलते हैं ना, मज़ा आ जाता है देख के, ऐसी बर्फ़ और ऐसे स्नो के टुकड़े, ज़्यादातर जगह डी आइस हो चुका है, गर्मियाँ शुरू ही हो गई हैं प्लेन्स में, तो और यहाँ भी उस चीज़ का असर आप देख सकते हो।
वरना ये जगह पूरी बर्फ से भरी होती है सर्दियों में। यू कांट कम हियर इन विंटर्स, भूल जाओ, ये सब बंद होता है, यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती। आई वंडर कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स होते होंगे या नहीं। आते हुए भी जैसे मैंने बताया था, ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ब्रिजेस जो कि बीआरओ ने बनाए हैं, और यहाँ से रोड ऊपर से जाएगा और ये लेह का अल्टरनेट रूट होने वाला है। तो देख के ही लगता है कि बहुत ही खूबसूरत रूट बनने वाला है लेह का, और अल्टरनेट अच्छा होगा। शिंकुनला वाला पास जब नीचे से टनल चला जाएगा उसके नीचे से, तो एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन होगी कंपेयर टू इफ़ यू गो टू जिंगजिंग बार बार अला चला एंड फादर। तो उस रूट से बेटर होने वाला है, और वो दोनों रूट्स सर्व करेंगे लेह को। तो दो रूट्स होने वाले हैं, और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी दो ऑप्शंस होने वाली है लेह जाने के लिए। तो फॉर अ चेंज आप ये कर सकते हैं फ्यूचर में कि आप यहाँ से ले जाएं और उधर से ले वापस आएं, या फिर वाइस वर्सा। तो सामने हमारे है गोनबो रंजन, जो यहाँ की माउंटेन पीक है जो सामने आपको दिख रही है प्रोमिनेंट वाली, ये वाली माउंटेन पीक। और इस माउंटेन को बहुत माना जाता है, लोकल लोग बहुत मानते हैं इस माउंटेन को, जो कि तिब्बतन बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करते हैं। और ये ट्रैक भी है यहाँ पे, तो ये आई थिंक इसकी जो ऑल्टीट्यूड है नीचे, अभी जिस ऑल्टीट्यूड पे हम हैं और इस माउंटेन के पास जो ऑल्टीट्यूड है वो बताई जाती है 5,500 meters के आसपास। तो अभी भी हम काफ़ी ऑल्टीट्यूड पे हैं, और बड़ा ही रॉकी टेरेन है, तो बहुत ही एंजॉयबल ड्राइव है। मतलब आपको लगेगा कि डिस्टेंस कम है माउंटेन तक, लेकिन बहुत बड़ा डिस्टेंस है, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स। तो माउंटेन के जस्ट राइट साइड में हम मुड़ जाते हैं तो हमारा शिंकुनला पास आ जाता है। तो माउंटेन के बिल्कुल पास से ही हम मुड़ेंगे, और माउंटेन के पास आप कैंपिंग कर सकते हो। यहाँ पे इस किसी भी रास्ते पे आप कैंपिंग कर सकते हो, अगर जो आपके पास रूफ टॉप है तो आप रूफ टॉप कर सकते हो। आप सिंगल हो मेरी तरह तो गाड़ी में भी सो सकते हो, या फिर आप और किसी तरह का कैंप करना चाहो आप कैंप कर सकते हो। बट डू टेक केयर ऑफ द रिवर एंड डू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑलवेज कैरी योर ट्रैश एंड लीव द प्लेस एज यू फाउंड इट। सो ये आप प्रिंसिपल प्लीज़ फॉलो करें। राइट साइड में नदी जा रही है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। इसमें आइस है, आइसी वाटर है, और कई जगह आइस की शीट्स छोटी छोटी स्ट्रीम्स में जमी पड़ी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और पीछे हम छोड़ते हुए पुरने और पदुम वाले रास्ते को, एक बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि लास्ट ट्रिप भी मैं जब आया था तो द रोड वॉज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन। अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बेटर है उससे पहले से। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है, और आप समय निकाल के इसको एंजॉय कीजिए। मैं बहुत जगह रुका यहाँ पे, और इसीलिए मैं सुबह जल्दी जल्दी निकला था कि रास्ता पूरा एंजॉय करना है और काफ़ी जगह रुकते हुए चलना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा रुके थे, और अब हमने अपनी जो साथ इनोवा है उसको कैचअप कर लिया। तो यहाँ पे बड़ा खेल खेला हमने इनोवा वालों के साथ, तो साथ जान पहचान में ही है, मतलब फ्रेंडशिप हो गई अब तो इतने दो दिनों से। तो हमने सोचा कि इनकी इनके ऊपर थोड़ी धूल उड़ाई जाए, क्योंकि काफ़ी देर से हमारे ऊपर धूल उड़ा रहे, तो लो भाई धूल उड़ा दी आपके ऊपर, और बहुत देखो आप पीछे बिल्कुल धूल में गई इनोवा। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, पीछे वाली गाड़ी को धूल फाँकनी फाँकनी पड़ती है, और इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू कंटिन्यूसली ड्राइव लाइक दिस, क्योंकि फ़िल्टर आपका चोक हो जाएगा धूल से, अनलेस आपने स्नॉर्कल उल्टा मुंह करके लगा रखी हो, तो उसमें थोड़ी प्रोटेक्शन हो जाती है। बट धूल काफ़ी है अगर जो आपके आगे कोई गाड़ी ड्राइव कर रही है, तो अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है आप। और हमने स्पीड थोड़ी इसीलिए रख रखी है थोड़ी सी तेज़, क्योंकि जैसे ही हम धीरे करते हैं स्पीड, हमें धूल पकड़ लेती है वापस से, मतलब गाड़ी में धूल आने लगती है अगर जो हम स्लो चलते हैं तो। और दूसरा ये है कि शीशा अगर जो ऊपर करते हैं तो एसी चलाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, शीशा नीचे करते हैं तो धूल आएगी अगर जो स्लो चलाते हैं। तो दी ओनली फिजिबल ऑप्शन राइट नाउ राइट हेयर इज़ कि आप तेज़ चलाएँ शीशा खोल के। और ये देखिए स्लोप्स,
बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्लोप है, थैंक गॉड इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड, किसी ने यहाँ पे सड़क नहीं काटी हुई, बिकॉज कुछ एरियाज ना अनटच्ड रहने अच्छे लगते हैं, अनटच्ड रहने चाहिए। और अब हम आने वाले हैं आगे स्ट्रीम के पास, और यहाँ पे रोक के आपको नदी के दर्शन कराएंगे, स्ट्रीम के दर्शन कराएंगे, एंड विल पार्क अवे फ्रॉम द रिवर। गीले जो गीला पैच है उससे हमें दूर रखना है, ग्रीन जो पैच है उससे हमें दूर रखना है, जो आपको ग्रीन और गीला सा पैच दिख रहा है ना, इस पे गाड़ी चढ़ाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज यहाँ पे ग्रेजिंग ग्राउंड है, जानवर ग्रेज करते हैं। सुनने की कोशिश कीजिए, आइस क्रैक करेगी, देखना। तो देखा आपने, आइस क्रैक कर रही है, और ये आवाज़ यहाँ पे आती रहती है इस आइस के अंदर से। आइस की शीट जमी हुई पूरी, और नीचे पानी है थोड़ा थोड़ा, और पानी के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, और ऊपर आइस की शीट जम के और स्टेबल हो गई है। मतलब बड़ी अमेजिंग क्रिस्टलीन आइस आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप देख के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सो आगे मजेस्टिक माउंटेन। तो जैसे ही कैमरा पानी के अंदर गया, तो माइक्स के अंदर पानी भर गया, तो आपको वो साउंड काफ़ी देर तक अगली क्लिप्स में सुनाई देगी, वो हवा सी चलने की साउंड जो पानी अंदर जाने की वजह से है। तो हमने सोचा कि देखिए, आइस शीट देखिए, कितनी प्यारी आइस शीट जमी हुई है यहाँ पे रिवर के साथ, और ये क्रिस्टल्स ना इतने खूबसूरत लगते हैं। एंड आई वॉज अवे फ्रॉम देम, आई डिड नॉट स्टेप ऑन दीज क्रिस्टल्स। यहाँ गाड़ी के नीचे तो आ ही रहे हैं, देखिए शील्ड भी टूटी पड़ी है अभी तक गाड़ी की, और नीचे गिरी पड़ी है, लटक के जा रही है। बट ऑल दो इज मेकिंग नॉइज, बट इट्स नॉट यू नो एनी काइंड ऑफ रिस्क टू द कार और इटसेल्फ। तो मैंने नदी के किनारे में घुसा नहीं ज़्यादा, क्योंकि आइस को जैसा था ना वैसा ही छोड़ने में मज़ा आता है। पहले ही आइस काफ़ी टूट जाती है गाड़ी चलने की वजह से, तो आई वॉन्टेड टू लीव इट एज इट वॉज फॉर अदर्स टू सी। सो बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, और बहुत ही अमेजिंग, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे आके, एक बार आपको आना बनता है। और आप इफ़ यू आर यू नो अ सेंसिटिव पर्सन, एंड इफ़ यू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, यू आर मोस्ट वेलकम हेयर, और आपको ये जगह देखनी बनती है। मतलब जो लोग ये कहते हैं ना, हमें बैठ के यहाँ शराब पीनी है, हमें बैठ के यहाँ पार्टी करनी है, उन लोगों के लिए जगह नहीं है, अनफॉरगिविंग है उनके लिए। वो अपना शिमला में बैठे, मनाली में बैठे, और आराम से जो करना है करें। दिस प्लेस इज़ फॉर रियल एडवेंचर सीकर्स, एंड आई हाईली रेकमेंड देम टू कम हेयर एंड स्ट्रेच योरसेल्फ हेयर। And the whole point of showing you this long drive is to show you what lies on this road, और ये road कैसा है, और drive का experience share करने के लिए मैंने ये video लंबा रखा है। तो I hope you will see it completely and enjoy इसका पूरा length, because अगर जो मैं इस video को काटूँगा पीटूँगा ज़्यादा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएशन बहुत है इस रोड पे। आपने देखा था कि ये जो माउंटेन है गुम्बॉक रंजन और गुम्बॉक रंग जॉन, मेरे को नहीं आता बोलना, तो ये माउंटेन काफ़ी दूर से हमें दिख रहा था, और अब ड्राइव करते करते आपने देखा होगा काफ़ी पास आ गए हैं, और वो कितना लैंडस्केप चेंज हुआ है माउंटेन तक आते आते। सो पूरा पीछे से आगे तक पूरी ड्राइव बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो लेफ्ट में आप हट देख रहे हो ना, आते वक्त भी ये स्ट्रीम हमने दिखाई थी, आते वक्त मैंने वंडर किया कि इस हट में कौन है, तो ना आते वक्त कोई दिखा, ना जाते वक्त कोई दिख रहा है यहाँ पे इस हट के पास। तो आई ऑलवेज वंडर कि यहाँ पे कौन रहता होगा, ये चीज़ क्यों बनाई गई होगी, और इसका यूज़ क्या है, कहीं अबैंडन तो नहीं है। और एक चीज़ और, कल मेरा जाने का प्लान है बारा लाचाला,
तो बाराला चला जाके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आर्मी की आउटपोस्ट जहाँ पे कैनिबल मिला था। कैनिबल ने 3 सोल्जर्स की बॉडी को खा रहा था और उसको गोली मारी गई थी, ये न्यूज़ में भी आया था। तो मैं आपको बाराला चला की वो आउटपोस्ट दिखाऊंगा जहाँ पे अब शहीद स्मारक बना हुआ है, आज भी कहते हैं कि उसके अंदर हड्डियाँ हैं। तो वहाँ जाके वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कल। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक सच वीडियोस, कंटिन्यू टू मेक इवन मोर चैलेंजिंग वीडियोस, शो यू चैलेंजिंग टेरेन्स एंड शो यू रियली अनटच्ड प्लेसेस एज फार एज अनटच्ड गोज कोर्ट्स, यू नो, बिकॉज अनटच्ड आज की डेट में रह कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि लोग आते हैं। मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि कोई ऐसी रैली ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे ट्रैक ना हो गाड़ी का, जहाँ पे गाड़ी ना जाती हो, सो जहाँ पे ट्रैकिंग भी ना होती हो, मतलब कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ। सो आई विल कीप यू पोस्टेड, सो बी सब्सक्राइब्ड एंड कीप इन टच। अदरवाइज रेगुलर रूट्स और रेगुलर ब्यूटीफुल रूट्स जो कि नए नए बन रहे हैं वो तो मैं आपको दिखाता ही रहूँगा, और एक अलग एंगल से, एक अलग वेदर में, एक अलग यू नो सीज़न में मैं आपको दिखाता रहूँगा, ताकि आपको ये दिखे कि वो जगह कैसी होती है जब कोई नहीं होता है, जब नॉर्मली टूरिस्ट नहीं होते हैं, वो एक वंडरफुल फीलिंग होती है। जैसे अभी आप देखिए, मतलब अभी कोई नहीं है, इट वॉज जस्ट द स्वीट टाइम, एकदम मतलब स्वीट स्पॉट पे आए हुए हैं, जबकि सीज़न स्टार्ट होने वाला है लेकिन टूरिस्ट नहीं है, कोई भी नहीं है, रास्ता जस्ट खुला है, तो आपको कोई नहीं मिलेगा और कंप्लीट प्राइवेसी मिलेगी। आप कैंप कीजिए, आप रुकिए, आप एंजॉय कीजिए, और आप मतलब कंप्लीट प्राइवेसी में करेंगे ये सब, और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। सो मैं हमेशा कहता हूँ भीड़ भी हमसे ही है, लेकिन इट्स ऑलवेज फन टू बी विदाउट एनीवन अराउंड, टू बी अलोन। तो ये देखिए, एकदम पहाड़ की शेडो से निकलते ही एकदम ब्राइट आ जाता है सब कुछ। तो ये टेरेन एक डेजर्ट है बिकॉज देर इज़ नो ग्रोथ हेयर, और एक कोल्ड डेजर्ट माना जाता है इसको, जैसे अपना राजस्थान में जैसलमेर की तरफ डेजर्ट है और थार डेजर्ट अपना है हॉट, और ये डेजर्ट है कोल्ड। तो इसकी अपनी ब्यूटी है, और आप जब तक यहाँ नहीं आएंगे, अगर जो आप इस एरिया में नहीं आए हैं, जब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे आइए और इसको फील कीजिए। और अगर जो आप आए हैं तो ये जगह आप वीडियो में देखिए, और नेक्स्ट टाइम आपका मौका मिले तो आप ज़रूर आइए। तो यहाँ पे आया थोड़ा सा रॉकी रास्ता, और इस पथ पे काफ़ी पत्थर हैं, तो आइस भी बहुत है, बर्फ़ भी बहुत है। तो बर्फ़ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो छांव है वो आ जाती है
पहाड़ की, और काफ़ी देर बाद यहाँ पे धूप आती है दिन चढ़ने के बाद, और उधर की तरफ जो पहाड़ है उसकी छांव जल्दी आ जाती है शाम को। तो ये जितनी भी स्नो है ये मेंटेन्ड रहती है और काफ़ी देर तक यहाँ पड़ी रहती है। तो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ होने का सबसे मेन जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि अगर जो पहाड़ के ऊपर शेडो है तो वहाँ बर्फ़ ज़्यादा देर तक रहती है। तो वापस हमने इनोवा को पकड़ लिया है जी, और इनोवा वाले भाई साहब चला रहे हैं, बड़ा कॉशियसली चला रहे हैं, बहुत ही समझदार ड्राइवर हैं। और इस ऑल्टीट्यूड पे और इस रास्ते पे समझ बूझ काफ़ी काम आती है और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी काम आता है। इनोवा में कमी होती है कि पीछे से इनोवा साइड में भागती है, लाइक अ टिपिकल रियर व्हील ड्राइव कार विच हैज़ अ लॉन्ग व्हील बेस। तो बड़ा ही टिपिकल सा बिहेवियर है क्योंकि उसकी व्हील बेस लंबा है और रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है, तो काफ़ी स्विंग करती है पीछे की तरफ से। तो जब ये गाड़ी चढ़ती है पास के ऊपर तो इसको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने भैया को कहा कि आप आगे मौका देख के गाड़ी को मेरे पीछे, मेरे को आगे जाने दें और गाड़ी को मेरे पीछे लें, कि आपको अगर जो टोचन करने की ज़रूरत पड़े तो मैं आपको टोचन कर पाऊँ, क्योंकि ऊपर पास बहुत ख़तरनाक है और बहुत ख़राब है, रास्ता बहुत ख़राब है, चैनल्स बहुत कटे हुए हैं और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली हुआ क्या कि ड्राइवर साहब बड़े एक्सपीरियंस निकले और इन्होंने गाड़ी पास के पूरा पार निकाल दी विदाउट एनी हेल्प। मगर उसमें एक प्रॉब्लम हो गई कि इनका टैंक जो है वो पंक्चर हो गया इम्पैक्ट लगने की वजह से, और ये ज़्यादा फिर इन्जॉय नहीं कर पाए, रुक नहीं पाए कहीं, इनको तुरंत निकलना पड़ा यहाँ से। और मेरा भी जो डीज़ल था, जो मेरे पास एक्स्ट्रा डीज़ल की कैन थी, वो मैंने पुलिस पोस्ट पे छोड़ दी कि कभी किसी की मदद करनी पड़े तो आप किसी की मदद कर देना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इशू है डीज़ल और फ्यूल को लेके, तांडी के आगे फ्यूल मिलता नहीं है काफ़ी दूर तक। तो मैंने बोला कि आप, मैं क्या करूँगा इसका वापस ले जाके, रास्ते में तो फ्यूल पंप है ही, तो 10 लीटर की कैन मैंने वहीं छोड़ दी। तो अब समझ में आ रहा है कि यहाँ ज़रूरत पड़ सकती थी उसकी। लेकिन ये बाद में रिपोर्ट आई थी कि आगे पहुंच गए थे और आराम से मनाली पहुंच गए थे एमसील लगवा के, और मैं सोच रहा था घर से निकलते वक्त यार एमसील भी डाल लूं, फिर मैंने सोचा यार सब कुछ ही लेके जाओगे, मतलब एमसील की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने, अब मेरे को समझ में आया कि वो एमसील इनके बड़ा काम आती। तो यहाँ पर रोड बड़े स्लिपरी हो रहे हैं और ये कच्चा रोड शुरू हो गया है, और जितना आपको कैमरे में दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा इसमें चढ़ाई है और गाड़ी स्लिप मार रही है। मैं अब इस समय 4H पे चला रहा हूँ और आगे लग रहा है कि 4L की भी ज़रूरत पड़ने वाली है जिस हिसाब की चढ़ाई आगे आ रही है। तो यहाँ पे इनोवा को इस आने वाले बेंड पे काफ़ी परेशानी हुई, और हमने बाद में सोचा कि पहले ही गाड़ी को आगे कर लिया जाता तो, और टोचन का यूज़ किया जाता बीच में, तो गाड़ी को प्रोएक्टिवली मतलब यूज़ करना था टोचन हमने, तो गाड़ी को टैंक वाली प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि गाड़ी को टैंक वाली प्रॉब्लम इसीलिए हुई, इम्पैक्ट इसीलिए लगा क्योंकि गाड़ी को स्पीड से आना पड़ा। तो अदरवाइज़ इनोवा बड़ी अच्छी गाड़ी है, प्लेन्स में बहुत कंफर्टेबल है, हिल्स में भी बहुत अच्छी चलती है, लेकिन ये कुछ टेरेन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और यहाँ पर 4x4 की ज़रूरत है। मगर फिर भी गाड़ी ने काम तो निभा ही दिया, गाड़ी ये जगह पार करी गई और आते वक्त यही गाड़ी आई थी। इट्स अ वेरी बिग केपेबल व्हीकल नो डाउट। एंड भैया का टायर स्लिप हो रहा है यहाँ पे, और आप देख रहे हो मिट्टी ढल रही है धीरे धीरे, आपने देखा हो तो पिछले कुछ फ्रेम्स में आपने देखा हो वीडियो में कि मिट्टी ढली कुछ यहाँ से, तो कंटिन्यूसली मिट्टी गिरती रहती है, बर्फ़ गिरती रहती है, और यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है। और यहाँ पे एक जगह BRO का एक बुलडोज़र और एक ट्रक परमानेंटली आई थिंक वो खड़ा ही रहता है, जो कि कभी भी यहाँ पे सिचुएशन बनती है तो हेल्प करते हैं लोगों की। तो बहुत ज़्यादा ख़राब रोड शुरू हो गया है और यहाँ पे 4L लगा रखा है मैंने,
गाड़ी स्लिप मारती हुई जा रही है, लेकिन गाड़ी रुक कहीं नहीं रही और मोमेंटम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही। सफारी स्टॉर्म आराम से यहाँ पे डिस्पाइट ऑल द इंक्लाइन चढ़ रही है अभी फ़िलहाल, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे ज़्यादा। लो स्पीड में ही निकाली, क्योंकि हाई स्पीड में ज़्यादा मोमेंटम रखेंगे तो गाड़ी बार बार नीचे से टकराएगी। बार बार तो नहीं, मतलब कुछ तो टकराएगी और जो टकराएगी तो कोई ना कोई नुकसान होने का चांस भी बढ़ जाता है। हालांकि क्लियरेंस काफ़ी है और कोई ऐसी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी वाई प्लेट रिस्की। एक टायर अपना पहले ही जा चुका है और दूसरी प्रॉब्लम को इनविटेशन देना कोई ठीक बात नहीं है। तो हमने यहाँ से प्यार से निकाली। इससे भी ज़्यादा कई बार इंक्लाइंड होते हैं, वहाँ पे आपको मोमेंटम रखना पड़ सकता है 4x4 के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जी हमें शिंकुला पास, और शिंकुला पास पे व्यू बहुत अच्छा है, अभी मौसम बहुत अच्छा है और चारों तरफ बहुत अच्छी स्नो है। ये देखिए, अभी चक्कर आ गए थे तो थोड़ा ऑक्सीजन ले लिया, उसके बाद थोड़ा फिट महसूस कर रहा हूँ। तो व्यू देखिए बॉस, बहुत अच्छा व्यू है, चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़। और रात को यहाँ थोड़ी स्नो हुई है, नीचे भी स्नो गिरी है और पास पे भी स्नो गिरी है। बहुत अमेजिंग व्यू है, इट्स अ मस्ट विजिट, ऑल्दो इट्स वेरी टफ, खासकर इसके आगे पदुम तक इट्स एक्सट्रीमली टफ। तो प्रिपेयर होके आइए, टू व्हील गाड़ी बिल्कुल मत लेके आइएगा, टू व्हील गाड़ी बिल्कुल मत लेके आइए। टेम्पो ट्रैवल वाले फंसे होते हैं और वो लोग इतना दोनों ट्रैक काट देते हैं ना टायरों से कि उस ट्रैक में से निकलना बहुत मुश्किल है। आपने देखा ही कि कितना मुश्किल से गाड़ी निकली है, और 4x4 लो में निकली है, एक पूरे स्ट्रेच में गाड़ी। और जो 4x4 नहीं थी, जो इनोवा हमारे साथ थी, वो नीचे से टच हुई, उसके टैंक में लीकेज हुई डीज़ल की, और अभी वो लोग निकल गए हैं बिकॉज़ उनका डीज़ल लीक हो रहा है। तो भाई साहब, उनको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो वो रुके उनकी टंकी यहीं खाली हो जाएगी। सो दे हैड टू रश एंड दे हैड टू लीव। सो अब हम यहाँ से थोड़ा एंजॉय करते हुए मैं निकलता हूँ गाड़ी लेके, और आप व्यूज़ का मज़ा लो। और अगर जो आपको आना है तो मोस्ट वेलकम, अगर जो अभी नहीं आना है तो यू कैन एंजॉय ऑल द वीडियोज़। सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, क्योंकि ऐसे व्यूज़ दिखाते रहेंगे आपको, और इससे भी ज़बरदस्त शायद। तो ये देखिए, लुक एट द व्यूज़, जस्ट लुक एट इट मैन, आई मीन इट्स अमेजिंग। गाड़ी की हालत बिल्कुल गंदी हो चुकी है, एक टायर बर्स्ट हो चुका है और अभी दूसरा जो स्पेयर टायर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ब्रिजस्टोन ड्यूलर है, ऑलमोस्ट नया है, न्यू है, बिल्कुल घिसा हुआ नहीं है, तो इट्स नॉट एन इशू। सो विल गो आगे अभी। ऑलराइट देन, आई विल सी यू फॉरवर्ड। और बर्फ़ के अंदर से आइसिकल्स निकली हुई थी, तो ये देखिए यहाँ पे लटकी हुई हैं, अगर जो आपको दिख रही हो तो वीडियो में, तो बहुत ही मतलब अमेजिंग बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। और ये ईयर राउंड ही रहती है, कम हो जाती है गर्मियों में, बट ज़्यादा गर्मी अभी होगी तो और कम हो जाएगी, बट वेदर कभी भी ख़राब हो सकता है और यहाँ पर बर्फ़ आ सकती है। देखिए बहुत ही प्यारी बर्फ़ है, मतलब ये मिस कर रहे हो आप, यहाँ आना तो बनता है सिर्फ इस बर्फ़ के लिए ही हो जाए। सो टफ टेरेन बट अमेजिंग रिवॉर्ड।
सो वाइल यू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो, ऊपर नीला आसमान है और नीचे सफ़ेद बर्फ और काला रोड, तो बहुत ही अच्छा व्यू। तो रेस्ट ऑफ द वीडियो एंजॉय कीजिए और मैं मिलूँगा आपसे अब कल। कल जाएंगे बाराला चला और दीपक ताल देखते हुए आएंगे। और अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ नए दिखते रहें टाइम से, समय से। तो आई विल सी यू अगेन।